एक मैया हमसे बोली, गुरु जी हम रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं पढ़ते। हमने कहा कौन सी? बोले ढोले गवार। क्या है चौपाई? ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोले गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो मैया बोली, गुरुजी हम ये चौपाई नहीं पढ़ते, वहां की पूरी रामायण पढ़ते हैं। हमने कहा इसको, इसमें क्या बुराई है? बोले यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम स्त्रियों के बारे में गलत लिखा है। हमने कहा क्या गलत लिख दिया? बोले देखो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारियों को मारा करो। हमने कहा लिखा है? बोले देखो ये लिखा है, ढोल गवार संत मुनि ज्ञानी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मेरी माँ, गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है, आपने गलत समझा है। उनके लिखने का आशय गलत नहीं है, आपके समझने का तरीका गलत है। कैसे? हमने कहा मेरी माँ, यहां जो ताड़ना शब्द है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ क्या है? ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, गोस्वामी जी को समझो। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है। रामचरितमानस मुख्य अवधि भाषा में लिखी गई है, पर रामचरितमानस में लगभग 200 भाषाओं का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। कितनी भाषाओं का? लगभग 200 भाषाओं का प्रयोग रामचरितमानस में है। अच्छा हाँ, ये जो ताड़ना भाषा, ये ताड़ना जो शब्द है ना, ये मध्य प्रदेश के गांव की ग्रामीण भाषा है। हाँ, गोस्वामी जी ज्यादा चित्रकूट में रहा करते थे, ज्यादा अयोध्या में रहा करते थे, और अयोध्या चित्रकूट का जो एरिया है वहां रीवा है, सतना है, मध्य प्रदेश का वो टच है, तो वहां उनकी वो भाषा है। वहां की भाषा में ताड़ना मतलब मारना नहीं होता। बहुत सारी चौपाइयां हैं जिनका सही अर्थ वही कर सकता है जिसको सही हिंदी का नॉलेज है, ग्राम गांव से गांव की भाषाओं का नॉलेज है। तो यहां पर गोस्वामी जो कह रहे हैं कि ढोले गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है कि मारो, ताड़ना शब्द का अर्थ है, आज भी मध्य प्रदेश के उन गांवों में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। मैं जानता हूं इसकी व्याख्या, क्योंकि मैं भी वहीं से हूं जहां गोस्वामी जी ने घूम फिर करके इस भाषा का ज्ञान पाया। ताड़ना मतलब देखना होता है। हमारे यहां बोलते ना, ताड़ फलाने ने ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो ढोलक, ढोल मतलब ढोल, ये ढोलक है, तबला है, इनको देखना पड़ता है, सुर से उतर जाते हैं, देखते रहो। तो देखते, ढोल को देखना पड़ता है। आप लोग ढोलक बजाने के पहले चढ़ाती हो कि नहीं? चढ़ाना पड़ता उसे, कई बार बजाते बजाते उतर जाती है, सुर से उतर जाती है, उसे देखना पड़ता, उतर तो नहीं गई, हाँ हाँ ठीक बज रही है। ढोल गवार, गवार आदमी को देखना पड़ता, शूद्र। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ढोल जब गंवार हो जाए तो देख लो। शूद्र, कुछ शूद्र ऐसे होते हैं जो काम चोरी कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्कर। वर्कर, बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं, काम चोरी करते हैं, देखना पड़ता है भाई ठीक ठीक काम कर रहे हो कि नहीं। इसलिए मालिक लोग सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, देखते रहते हैं काम चल रहा है कि नहीं।
देखने का है, नहीं कि मारने का है ना। देखते रहो आपके कार्यकर्ता काम धाम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। आपने चार आदमी रखे हैं काम के लिए तो वो काम कर रहे हैं कि ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं, बैठे बैठे ना काम कर रहे हैं। देखते रहो, मुआयना करते रहो। ढोल गवार शूद्र पशु गाय को भी देखना पड़ता है, भैंस को भी देखना पड़ता है। आपने गाय पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, बकरी पाल रखी है, तो इन्हें चराने जाओ तो देखना पड़ता है, नहीं फसल में घुस जाती हैं। बकरी चराने जाओ तो वो फसल में चली जाए तो पूरी फसल उड़ा दे, तो देखना पड़ता है, फसल तो नहीं खा रही है। देखते रहो, देखते रहो, फसल में तो नहीं, नुकसान तो नहीं कर रही है। और नारी, नारी को भी देखते रहो, है ना, नारी को भी देखते रहो। राम जी ने जब सीता माँ ने कहा हमें सोने का मृग चाहिए, तो राम जी सोने का मृग लेके गए, तो सीता की जिम्मेदारी किसको देकर गए? लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी जब मारीच ने हाँ लक्ष्मण कह के बुलाया, तो सीता जी ने मर्म वचन कहे, कहा लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा जिनके भय से काल भी भयभीत तो होता है उन पर संकट किस बात का है माता। सीता जी बोली तो तुम चूड़ी पहन लो लक्ष्मण, यहीं बैठो, हम जा रही हैं, तुम्हें डर लग रहा है इसलिए जा नहीं रहे हो। मर्म वचन कह दिए लक्ष्मण जी को सीता माँ ने। तब लक्ष्मण जी गए। अब देखो राम भी चले गए और लक्ष्मण जी भी गए। एक स्त्री जंगल में अकेली है, देखने वाला कोई नहीं, और जब देखने वाला कोई नहीं तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। तो नारियों को भी देखते रहा करो, देखते रहा करो। नारी भी सुरक्षा चाहती है। नारी या तो पिता उसे देखता रहे, छोटी सी बच्चियों को ना, बेटियों को पिता देखता है, कहाँ गई बेटी, गई थी आई क्यों नहीं, नजर रखता है ना पिता बेटी पर। माँ बाप बेटी पर नजर रखते हैं, कहाँ है बेटी। कई बार आप कहते हैं हमारी बेटी घर पे अकेली है, हमें जल्दी जाना, मतलब आपको चिंता है, देखती रहती हो। माँ बाप बेटी को देखते हैं। वह बेटी जब विवाह हो जाती है तो फिर उसको पति देखता है, मेरी पत्नी ठीक है, कहाँ है, कैसी है। और जब पति नहीं होता तो उसे पुत्र देखता, मतलब वो निगरानी में होती है। देखती रहो अपनी बेटी को, देखते रहो पत्नी को, देखते रहो और माँ को देखते रहो, हालचाल पूछते रहो, सब खैरियत तो है, सब कुशल से तो है। हाँ देखने का कहा है गोस्वामी जी ने। अब तुमने अर्थ ही बदल दिया कि मारते रहो, तो भाई इसमें गोस्वामी जी की क्या गलती है? अर्थ लगाने वालों की कमी है, उन्होंने तो लिखा गलत नहीं है। अच्छा महाराज जी ऐसा है, हमने कहा हाँ ऐसा, अच्छा बोली फिर मैं पढ़ूंगी अब।